देखिए, मनमोहन सिंह जी की जब सरकार थी, हर बात पे ये उनकी आलोचना करते थे। ये किसका स्टेटमेंट है कि एक सिर के बदले में 11 सिर लो, मेरी सरकार होती तो होने नहीं देते। उस समय किसने मनमोहन सिंह की आलोचना की थी? सुषमा जी बोली थी ना वहां पे, रोज ही लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। कोई घटना हो जाए कश्मीर में या कहीं, उस पर इतना हंगामा करते थे। तो ये परंपरा तो तुमने शुरू की है, अटल जी ने परंपरा शुरू की थी राष्ट्रीय सुरक्षा नीति पे, और जो है विदेशी हमलों में जो सरकार उसकी तारीफ करने के लिए उसके साथ सहमति जताने के। मुझे आज तक उनका बयान है था कि जिस समय 71 का युद्ध चल रहा था कि इस समय देश में सिर्फ एक राजनीतिक दल है भारत, और उसकी नेता है इंदिरा गांधी। ये अटल जी का बयान था। क्या यही भावना भारतीय जनता पार्टी ने दिखाई जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी 10 साल? यहाँ तो लोग जब हमला चल रहा था, हमारे हेमंत करकरे जैसे शहीद बेचारे हो गए उसमें, वो लड़ रहे थे, तब कोई मुख्यमंत्री जी कहीं से वहीं के नजदीक के किसी प्रदेश के वहां बैठ के तमाशा देख रहे थे, नरीमन पॉइंट पे खड़े होके वहां पहुंच गए। फिर सुरक्षा वालों को उनसे अनुरोध करना पड़ा कि साहब यहाँ जाइए, हम आपको सुरक्षा दें या यहाँ लड़े आतंकवादियों से। तो राजनीतिक लाभ की शुरुआत तो उन्होंने की हर चीज में, हर चीज में राजनीतिक रोटियां सेकना। छोटा सा हमला हो जाता था, इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी। आपने उस परंपरा को तोड़ा है। हम तो फिर भी, हमारे तो राहुल जी ने उस दिन जिस दिन ये हुआ पूरा समर्थन किया कि सरकार को हम पूर्ण अधिकार देते हैं कि जो चाहे कदम उठाए हम उसके साथ हैं। ये राहुल जी का बयान इसी टेबल से है, यही आपने सुना होगा। पूरे 10 साल मनमोहन सिंह सरकार को उठा ली, अगर एक बयान एक भाजपा नेता का ऐसा दिखा दो जिसमें उन्होंने सरकार को समर्थन दिया, धींगा मुझती है, कुछ भी बोलो। और आप लोगों से अनुरोध है कि जरा उनका रिकॉर्ड भी रखा करो, जैसे राज ठाकरे जी पिछली पुरानी बातों का इकट्ठा करके हर मीटिंग में उनको दिखाते हैं, आप भी दिखाया करो। जैसे सवाल आए उसके जवाब में दिखा दिया आपने ये कहा था, बंद हो जाएंगे इस तरह के भाषण देने उन भाजपा के मंत्रियों के।